हाँ जी सुशीला जी, आपका क्या एक्सपीरियंस है? बहुत अच्छा रहा मैम। आई मीन हर चीज आपने इतनी अच्छे से सिखाया है, कोई नहीं सिखाता है जो चीजें जो डिटेल्स में जाकर आपने बताई वो। इट वाज वेरी नाइस एंड इन सच अ इजी वे। आई थिंक आई फॉर मी इट वाज अ गुड ग्रास्पिंग थिंग, तो आई फाउंड इट वंडरफुल, वेरी नाइस। थैंक यू फॉर योर एफर्ट्स। थैंक यू सो मच। हाँ जी, हाँ जी मोनिका जी, आपका क्या एक्सपीरियंस है? आई एम वंडरफुल। मैं हाँ कोई भी क्लास आपको मिस नहीं करना चाहती। अपने अपने एक पॉजिटिविटी जरूर आती है। अभी थोड़ा सा मेरी प्रैक्टिस नहीं हो पा रही ड्यू टू माई हेल्थ इश्यू, बट हाँ मैं बहुत सारे कार्ड को खुद करती हूँ। लेकिन कुछ एस्पेक्ट आपकी लाइव क्लासेस में मुझे क्लियर होते हैं कि हाँ ये भी एस्पेक्ट हो सकता है, ये पॉइंट भी हो सकता है, तो वो मैं जरूर कोशिश करती हूँ कि मैं लाइव क्लासेस में ही आऊँ। मैंने पहले भी किया था बट अब मुझे लग रहा है कि वो सब चीजें इतना रिलेट नहीं हो पा रही थी, तो अब जो मेरी क्लैरिटी है ना वो बहुत ज्यादा। ओके। तो पहले हाँ आपने तो जो किया था उसमें आपने 78 कार्ड पूरे कंप्लीट किए, कंप्लीट कोर्स था? किए थे और मैम उसमें स्पेस ना बहुत, मतलब मैं अब उससे रिलेट ही नहीं कर पा रही हूँ। लाइक पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर एंड यस नो के कार्ड जो चीजें बताई थी वो इससे रिलेटेड है ही नहीं। तो यहाँ पर आपको मतलब सब तीन चार सब कुछ अब उसमें और इसमें यहाँ पे अगर कंपैरिजन करती हूँ ना तो यहाँ से मैं रिलेट हो पाती हूँ। पहले मुझे लग रहा था कि मेरे आंसर वो इतने एक्यूरेट क्यों नहीं होते। जब मैं कह रही थी ना आपको स्टार्टिंग में मैंने बताया था वो इसीलिए नहीं हो रहे थे कि 5 कार्ड ही पिक करना है, 4 ही पे करना है, माइनर है तो ये माइनस है, ये एस और नो, मतलब इजी सुर में ना, मतलब ऐसी रिलेट नहीं हो पा रहा था वो पूरा। अब मैं वो रिलेट कर पा रही हूँ पूरा, थैंक यू सो बट मच। अभी थोड़ा सा मेरा वो सिर्फ आपकी एनर्जी की वजह से, देखो मैं 2 घंटे बैठ जाती हूँ वरना पूरे दिन में नहीं बैठ पाती। ग्रेट ग्रेट, फिर तो आप बहुत अच्छा है, फिर तो टैरो क्लास लगाते रहिए रेगुलरली। हाँ तो मैम आपने आगे, देखा होगा मैं कोई नहीं छोड़ती हूँ कि कुछ ना कुछ नया जरूर होगा। हाँ यस बिल्कुल, आपने इतनी हेल्थ इशू के बाद भी पूरी क्लासेस बहुत अच्छे से अटेंड की है, ये ये देखो बड़ी। चार चार तीनों के साथ बैठती हूँ तब भी मैं कोशिश करती हूँ कि 2 घंटे में प्रेयर करके बैठती हूँ कि मैं पूरा क्लास अटेंड करूँ हमेशा। वेरी गुड, तो ये एनर्जी होनी चाहिए भाई। देखो ये होती है प्रैक्टिस, है ना प्रैक्टिस। अर्चना जी देखो ये होता है क्लास का डेडिकेशन, तो कितने हेल्थ इश्यू है इनको, फिर भी ये क्लास ले रही हैं और प्रॉपर अच्छे तरीके से। अब आप यहाँ से सीखें, मोटिवेट हो जाएं। 1 महीने बाद मैं पूरा स्मूथली अब बोल भी पा रही हूँ। हाँ नहीं आप बहुत अच्छे हो जाओगे, ठीक है। यही तो हमारा मतलब एक मोटिव होता है कि अगर लाइफ में कुछ भी है ना नेगेटिव चल रहा होता है तो हम क्या करते हैं, अक्सर फीमेल क्या करती है, किटी पार्टी जाना या ऐसी चीजों में, है ना, अपना टाइम लगाना। नहीं बट हाँ मैं बताएंगी। हाँ यहाँ पर आप आते हो, जो भी आप सीखते हो उसमें सिर्फ सिर्फ यही नहीं कि आप सीखते हो 78 कार्ड सीख लिए, पॉजिटिविटी बहुत बड़ी बात होती है ना, लाइफ डिफरेंट आपकी तरीके। वॉइस वो काम करती है मेरे लिए, पॉजिटिव पॉइंट का काम करती है, मैं बहुत रिलेट करती हूँ और बिल्कुल एनर्जेटिक फील करती हूँ। थैंक यू डियर, थैंक यू सो मच। हम सब प्रे करेंगे आपके लिए कि थैंक यू बहुत एंड अच्छा। गॉड ब्लेस यू मैम। थैंक यू थैंक यू। हाँ जी नम्रता, अनम्यूट करें गुड इवनिंग मैम। जी। गुड इवनिंग। मैम आई वॉन्ट टू से मैंने जब फर्स्ट टाइम टैरो देखा था वो लास्ट ईयर जुलाई 2023 में, मैंने किसी की वर्कशॉप 3 दिन की वर्कशॉप अटेंड की थी, माइसोल स्पून करके है मैक्रीन कॉल, उनकी मुझे बहुत पसंद आया लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था, चीजें साइड हो गई। फिर मेरे को न्यूमरोलॉजी और पामिस्ट्री आती है तो एक दिन मेरी मामी ने मुझसे पूछा तुम्हें क्या लगता है ये टैरो कार्ड्स तो टीवी में आते हैं ये फ्यूचर बताते होंगे? मैंने कहा पता नहीं लोग करते हैं तो बताते होंगे लेकिन मेरे दिमाग के तो ऊपर है, मुझे नहीं समझ आने वाले, ये मेरे को इनका लॉजिक समझ नहीं आता कि कार्ड्स कैसे फ्यूचर प्रेडिक्ट करेंगे। हमारी यहाँ बात खत्म हो गई। फिर मैं जब शिल्पा मैम ने आपका ज्वाइन किया था ना तो उन्होंने बहुत कॉन्फिडेंस से लिंक शेयर की इनका ज्वाइन करो ये टैरो कार्ड्स बहुत अच्छे से पढ़ाती है लेकिन मैं नंबर 7 हूँ, ऐसे कैसे किसी के बोलने पे ज्वाइन कर लेंगे। हमने कहा नहीं मैं वर्कशॉप अटेंड करूंगी उसके बाद देखेंगे। वर्कशॉप के एक दिन पहले मेरी मनोज जी से बात हुई, वो बोले मैंने आज ही अटेंड कर आज ही पेमेंट कर दिया है और मुझे लगता है तुम्हें क्या लगता है तुम जहां से सोच रही हो किसी और का वो करवा लेंगे ये।
मैंने कहा आपको क्या लगता है पूजा मैम करवा देंगी सिखा देंगी, तो वो कॉन्फिडेंस से बोले हाँ मुझे लगता है पूजा मैम तो सिखा देंगी ये करवा देंगी। मैंने कहा ठीक है अच्छा है आपको लगता है ये करवा देंगी, लेकिन मैं तो कल वर्कशॉप अटेंड करने के बाद ही बताऊंगी। और फिर वर्कशॉप पूरा फिनिश नहीं हुआ था और मिड में ही मेरे को आ गया नहीं मुझे ये, अब मेरे को फीलिंग आ गई हाँ ये करवा देंगी मुझे यहीं से करना है। और जो मुझे लॉजिक समझ नहीं आता था टैरो कार्ड कैसे काम करते हैं आज के डेट में ये है, अब कोई बोलता है मैं कहती हूँ लॉजिक तो है, लॉजिक से कार्ड पढ़ो और फिर मैजिक आपको दिखेगा जो यस मुझे दिखता है। जैसे बिल्कुल अभी भी अगर कोई मेरे से टैरो कार्ड कैसे बताते हैं मैं कहती पता नहीं आंसर्स कहाँ से निकल के आते हैं, बस मैं कार्ड पिक करती हूँ जो भी कार्ड आप बताओगे मैं उसको इंटरप्रेट करूंगी। फिर उस टाइम पे इंटरप्रिटेशन के टाइम पे कैसे अपने माइंड में चीजें आती हैं वो अपने आप आती हैं, क्या बोलना है कैसे बोलना है, और सामने वाले से रिलेट हो जाती है जब बोलता है हाँ हाँ आप सही बोल रहे हो तो कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाता है, फिर लगता है नहीं मैजिक है। तो आपने अभी शुरू कर दिया प्रैक्टिस, इट मींस यस ओके, तो लोगों की रीडिंग करनी शुरू कर दिया। हाँ मैम ओके तो क्या कितना जितना अभी आता है उतना कर दिया है, जो क्वेश्चन अभी जैसे आपने टाइम इवेंट नहीं बताया तो उनके लिए मैं बोल देती हूँ अभी नहीं आप इस मंथ के लास्ट में आइए और मेरी ये क्लासेस रह गई है, तो जितना भी आपने पढ़ा है उस बेसिस पे अभी जो भी रीडिंग आई है आई थिंक मैं, क्योंकि अब सबका अपना अपना तरीका होता है, मैं अगर खुद से प्रैक्टिस करूंगी मेरे को कुछ समझ नहीं आएगा, तो मेरे को सामने कोई चाहिए है जो बताए मेरे को मैं सही हूँ या नहीं। तो मैंने 50+ रीडिंग दी है और उनमें से 2 या 3 होंगी जो रेजोनेट नहीं हुई है, उनने बोला नहीं नहीं आप गलत बोल रहे हो, तो उनका भी ऐसा हुआ। मैंने कहा अभी प्रेजेंट का तो सही निकला ना, अभी ये मैंने फ्यूचर का बताया तो वो आप मुझे 3-4 महीने बाद बताना मैंने गलत बोला था या सही, बाकी सबका रेजोनेट हुआ। वेरी गुड, तो बहुत अच्छी बात है। तो अभी तो क्लासेस कंप्लीट भी नहीं हुई, आपने शुरू कर दी रीडिंग और 50 रीडिंग कर भी ली, तो एनर्जी एक्सचेंज लिया या नहीं लिया? रिया ना मैम एक ऐप पे कितने हूँ मैं, एस्ट्रो सेज पे हूँ, न्यूमरोलॉजी क्रिस्टल रीडिंग पामिस्ट्री के लिए उस पे थी, टैरो का भी इंटरव्यू दिया एंड आई डोंट नो 5 क्लासेस टैरो की हुई थी और मेरा इंटरव्यू क्लियर कैसे हो गया। मैंने सर ने पूछा आप टैरो करने की, मैंने कहा करने की, उन्होंने कहा ठीक है आप मेरी रीडिंग कीजिए, उन्होंने 3 डे की रीडिंग करवाई थी, करंट टुमारो एंड डे आफ्टर टुमारो, मैंने 3 रीडिंग की, उन्होंने कहा मैंने उनको सब बताया और शाम को मेरे पास फोन आता हाँ आप टैरो के लिए सिलेक्ट हो गए, उस दिन मुझे भी वेरी लगा ये कैसे हो गया। गुड वेरी गुड, देख लीजिए अब आप सभी ठीक है, तो आप कर सकते हो, आपके अंदर कॉन्फिडेंस। थैंक यू सो मच नम्रता, आपने तो सबकी ये सॉल्यूशन दे दिया सभी को, है ना, कि हम कर सकते हैं, और इतना 5 क्लासेस के बाद ही जंप कर दिया। तो ये ब्रिलियंट स्टूडेंट होते हैं, जो फीडबैक देना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, वो हम सबके लिए भी इंपॉर्टेंट है, आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, और सब लोग जब सुनते हैं तो उनको भी मोटिवेशन मिलता है। हर किसी की जिंदगी का एक्सपीरियंस अपना अपना होता है ना, तो जब आपकी बातें किसी ने सुनी होंगी तो ये इनकी लाइफ में कितना चेंज लेकर आएंगी, आप इसको जज नहीं कर सकते, बहुत बड़ा चेंज यस होता है मैम माइंड पर दूसरे का।